आइए फिर शुरू करते हैं अनसुनी कहानियां शरद जोशी की। फिल्मों की तरफ उनके रुझान के विकसित होने का कारण बड़ा दिलचस्प है। जब नया दौर फिल्म 1957 भोपाल में शूट हो रही थी, तब श्री जोशी ने पहली बार जाकर एक फिल्म का सेट देखा। उन्होंने देखा कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट किस तरह दिखाई पड़ती है। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर पर आईएस जौहर का एक व्याख्यान भी सुना। आखिरकार 70 के दशक के मध्य में शरद जी ने क्षितिज 1974 के साथ शुरुआत की और फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया। उनकी अगली फिल्म थी छोटी सी बात 1975, अशोक कुमार और अमोल पालेकर अभिनीत, निर्देशक बीआर चोपड़ा, जिसे आज भी चुटिले संवादों के मामले में एक क्लासिक माना जाता है। इसके बाद उन्होंने श्याम तेरे कितने नाम, सांच को आंच नहीं और गोधुली 1979 जैसी फिल्मों के लिए लिखा। इसके बाद उनकी फिल्म आई उत्सव 1984, निर्देशक गिरीश कर्नाड, जिसमें उन्हें सहजता भरे संवादों के जरिए इस फिल्म के गहन विषय और महाकाव्यनुमा सेटिंग के मूड को संतुलित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। दिल है के मानता नहीं 91 शरद जोशी की सबसे बड़ी सफलता थी। उड़ान 1997 रेखा अभिनीत शरद जोशी की आखिरी फिल्म थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। शरद जोशी के व्यंग में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटिलापन दिखाई देता है जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। उन्होंने टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम वेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की आदि धारावाहिक लिखे। इन दिनों सब चैनल पर उनकी कहानियां और व्यंग्य पर आधारित लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता बहुत पसंद किया जा रहा है। व्यंग्य विधा में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की विरासत संभाल रहे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी शरद जोशी को कालजायी रचनाकार मानते हैं। वे कहते हैं नए नए विषय पकड़ने में उन्हें महारत हासिल थी। 1980 में उन्हें एक पत्रिका हिंदी एक्सप्रेस के संपादक का प्रस्ताव मिला। ये पत्रिका निकली और पाठकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इसका कंटेंट शानदार था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये पत्रिका बंद हो गई। लेकिन शरद की कलम नहीं रुकी। तीखे और धारदार लेखन के कारण कई बार उन्हें नौकरशाही की बाकी अदा भी देखने को मिली। उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक बार ऐसी मन स्थिति में उन्होंने लिखा, हिंदी लेखन में केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं, बल्कि आरोप ही अंतिम निर्णय होते हैं। यह विचित्र अदालत है जहां आपसे केवल सजा भुगतने की उम्मीद की जाती है। आत्मकथ्य एक शब्द भर है। यहां आत्मा को शक से देखा जाता है और कथ्य पर कोई भरोसा नहीं करता। जिस दिन कोई कह दे कि आप अपराधी हैं, बस उस दिन से आप अपराधी बन गए। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि बचपन में शरद जोशी अच्छे एक्टर थे और अभिनय के जरिए स्कूल में काफी लोकप्रिय भी थे। जवान हुए तो अभिनेत्री इरफाना से शादी के पहले जहां भी इरफाना के नाटक होते तो शरद जी पूरी गंभीरता से रिहर्सल देखते थे। नाटक लिखने का सोचा तो 100 नाटकों की स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर अंकुरण पट फूटा और 2 कालजयी नाटक उनकी कलम से निकले। ये नाटक हैं एक था गधा
और अंधों का हाथी। इन नाटकों के जरिए उन्होंने अपने आक्रोश को एक नई पहचान दी। देश भर में इन नाटकों को अब तक हजारों मंचन हो चुके हैं, लेकिन अभी शरद जोशी ने अपना सर्वश्रेष्ठ रचना संसार दुनिया को नहीं दिखाया था। 1983 में इरफाना भी भोपाल से बंबई आ गई और परिवार को एक साथ रहने का मौका मिला। लेखन से इतना पैसा मिल रहा था कि अपना घर भी बना लिया था। उन्हीं दिनों राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के विस्तार और उसके कंटेंट और बेहतर बनाने में लगे हुए थे। शरद जी ने इसी दरमियान अनेक टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों की पटकथा लेखन के जरिए धूम मचाई। एक दिन राजेंद्र माथुर ने शरद जी से कहा वे रोज एक कॉलम लिखें, एक समसामयिक विषयों पर धारदार अंदाज में अपनी बात कहें। कॉलम शुरू हुआ, नाम रखा गया प्रतिदिन। इस कॉलम ने वो लोकप्रियता हासिल की जो दैनिक पत्रकारिता में आज भी एक कीर्तिमान है। ये कॉलम आखिरी पन्ने पर छपता था। शुरू शुरू में जोशी जी को इसका स्थान बड़ा अटपटा लगा, लेकिन राजेंद्र माथुर ने उनसे कहा जरा ठहर जाइए, और चंद रोज बाद आलम यह था कि लाखों पाठक आखिरी पन्ने से यानी प्रतिदिन से अखबार पढ़ना शुरू करते थे। शरद जोशी ये देखकर हैरान थे। 1990 आते आते शरद जोशी की लोकप्रियता किसी स्टार से कम नहीं थी। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। सारा देश शरद जोशी को अंधेरे बंद कमरे में एक रोशनदान की तरह देख रहा था। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ राजेंद्र माथुर के अचानक देहांत के बाद प्रभाष जोशी और शरद जोशी पर समाज के हक में खड़े होने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी, और ये जिम्मेदारी वो आखिरी सांस तक निभाते रहे। शरद जोशी से जुड़ी एक संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम लोग इंदौर मेडिकल कॉलेज में थिएटर करते थे। उन्हीं दिनों आपने एक मशहूर पीस लिखा, मैं आसनसोल जाऊंगा। मैंने उनसे परमिशन लेके हमारे एनुअल फेस्टिवल में स्टेज से उसको वन मैन शो थिएटर के रूप में प्रस्तुत किया। मैं आसनसोल जाऊंगा, पत्नी से कहा मैं आसनसोल जाऊंगा। पत्नी ने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों, क्यों का मतलब? तुम्हें क्या आसनसोल जाने में समस्या है? मैं आसनसोल नहीं जा सकता। ये पति और पत्नी की नोक झोंक करीब 15-20 मिनट का एक पीस था जो मैंने प्रस्तुत किया, जिसको पढ़कर मुझे ईयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये कमाल था उनकी लेखनी में, बगैर कविता के वो गद्य से भी इतना हंसा देते थे, उनके व्यंग में इतना दम था जो मैंने स्वयं महसूस किया। और मैं इतनी शोहरत पाया, मैं आसनसोल जाऊंगा, आज भी लोग मुझसे वो पीस सुनना चाहते हैं। ये लोकप्रियता का एक मैं आपको पैमाना बता रहा हूँ कि शरद जोशी कितने लोकप्रिय थे, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने कवि सम्मेलनों में गद्य को पढ़कर शोहरत पाई। तो आज आपने सुनी शरद जोशी की कहानी, अनसुनी कहानी है, दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में।